जब दो प्रेमियों को ना चाहते हुए भी अलग कर दिया जाता है तो वो यहां से वहां भटकते रहते हैं, और जब भगवान शिव उन पे मेहरबान होते हैं तो वो अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए अंत में नागिन का रूप धारण कर लेते हैं। पुरातत्व काल से वो यहां से वहां भटक रही है, एक नागिन बनकर वो ढूंढ रही है अपने उस प्रेमी को जिसको वो अरसों से खो चुकी है, क्योंकि उसको पता है कि कभी ना कभी उसका प्रेमी फिर से इस धरती पे जन्म लेगा, और जब वो दिन आएगा उसकी अधूरी प्रेम कहानी संपूर्ण होगी। मैं फिर लौटूंगी। आंसुओं को टपकाकर दूसरों से भीख नहीं मांगते असली मर्द वो है जो मुसीबत का डटकर सामना करे। इंसानों के हथियार हम जैसों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारी पावर्स चाहिए वरना मरोगे। देखो पूरी दुनिया में इकलौता हमारा अजूबा शहर है, दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, उनकी खुशियां लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई, इस चालू और कामुक लोगों ने दोनों को मार डाला, तब से वो इस शहर में घूम रही है, अपने उस अधूरे प्यार को खोज रही है, जब उसको उसका खोया हुआ प्यार मिलेगा। चलो मैं एक जगह जाती हूँ, बहुत भटकना पड़ा, कभी किसी अघोरी बाबा के पास गई तो कभी किसी तांत्रिक के पास। पिछले 3 साल से एक ही मकसद था मेरा, मैंने आज सब कुछ आजमाया पर वो काफी नहीं था। मुझे लगा कि अब मैं तैयार हूं, लगा था इस बार उसे हरा दूंगी। बहुत बड़ी गलती की उन्होंने, और आपने भी कुछ सही नहीं किया। आपकी बेटी आखिरी सांसें गिन रही है और आपको बदला चाहिए। जैसे और लोग खोए हैं वैसे मैंने भी अपना कोई खोया है, मुझे पता है कि वो वापस कभी नहीं आ सकता।